आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी करुणा रे के लिए, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, करुणा रे की, करुणा की देवी, करुणा रे की। करुणा की देवी कौन है, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। जैसे कि मदर क्वाइनिन, हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी जब हमारा वेबिनार था, मदर क्वाइनिन वो एक बौद्धिक सत्वा थी। मदर क्वाइनिन के जरिए ये करुणा रे की आई, और इसको जो नाम दिया गया, उसको जो एक प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया गया, इसके सिंबल्स के ऊपर काम किया गया, वो डॉक्टर विलियम बैंड्रेन थे 1995 के अंदर। वैसे ये बहुत साल पुरानी परंपरा है, बहुत समय से ये परंपरा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया, जिसके कारण इस पे ज्यादा वर्क नहीं हुआ। और जब 1955 के अंदर, इसके बाद से इसको लोग जानने लग गए, और अब धीरे धीरे लोग इसको सीखने लग गए। करुणा रेखी उसी रेखी से ही आई हुई है, उसी रेखी, जैसे कहते ना कि एक माँ और बेटी का रिश्ता, उसी तरीके से जैसे एक माँ और बेटी एक होते हैं, लेकिन वो एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से करुणा रेखी एंड उसे रेकी दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि उसे रेकी से ही करुणा रेकी आई है, उसे रेकी के हम जब लेवल 1 एंड 2 करने के बाद हम करुणा रेकी को सीखते हैं। करुणा रेकी लेवल 3 लेवल 4 के अंदर कुछ इस तरीके के सिंबल्स हैं, जिनसे हमारी करुणा रेकी हमने मतलब बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने 25 सिंबल्स डाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे मास्टर्स आते गए, सिंबल्स बढ़ते गए, और करते करते वो आज की डेट में हम 25 सिंबल्स वो वाले करेंगे, प्लस जो हमारे लेवल 1 और 2 का है वो कराएं। लेवल 1 और 2 में हमारे जो सिंबल्स होते हैं, जैसे चौकुरी, हौंचा जैसुनैन एंड सहेकी, इसका मैं आज ही आपको क्लास में अटूटमेंट दूंगी। जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सभी को अटूटमेंट मिलेगा, और जो लोग प्रेजेंट नहीं हैं उनको भी वो 7 डेज के लिए स्थापित कर दूंगी मैं उस अटूटमेंट को। आप अगले 7 दिन के अंदर वो अटूटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि तो अधिकतर लोगों ने यहाँ पे रेकी सीखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेकी नहीं किया, तो वो उन लोगों के लिए ये अटूटमेंट है, तो उनके साथ साथ आप सभी लोग इसको लेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। इसको हम ये नहीं बोलते हैं कि बेसिक लेवल है, क्योंकि ये रेकी से ही आया है, लेकिन जब आप लेवल 1 और लेवल 2 करते हैं तभी आप आगे करुणा रेकी कर पाते हैं, तो आप इसको बेसिक लेवल नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलते हैं एडवांस, ग्रैंड और मास्टर ग्रैंड। तो ये 3 लेवल्स में से बना हुआ है, जिसको हम फर्स्ट लेवल को, जो हमारा अभी हम लेवल 1 करेंगे उसको बोलते हैं हम एडवांस करुणा रेकी, सेकेंड जो हम उस करेंगे उसको हम बोलेंगे मास्टर करुणा रेकी, और उसके बाद जो हम करेंगे ग्रैंड मास्टर रेकी, ग्रैंड मास्टर करुणा रेकी, जिसको करने के बाद आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं। हीलिंग तो आप खैर एडवांस लेवल से ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसको करने के बाद आप दूसरों को अटूनमेंट दे सकते हैं, उनको आप सिखा सकते हैं एज अ टीचर। ठीक है, बेसिकली जो हमारी करुणा रेकी होती है ये किस पे काम करती है, ये हमारे कार्मिक, जो हमारे पास लाइफ कर्माज होते हैं, हमारे कार्मिक इश्यूज के ऊपर ये काम करती है। देखिए, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी, चाहे वो हमारे किसी भी चीज के अंदर, आप देख लीजिए आपकी हेल्थ, आपका पैसा, आपके रिलेशन, उसके अलावा भी छोटी मोटी कुछ भी चीज आपके जीवन में होती है, वो हर चीज आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड होती है। आपकी कैसी संतान होती है, आपका बेटा होता है, आपकी बेटी होती है, या फिर आपको संतान हो नहीं रही है, कुछ भी, वॉट एवर, आपकी एजुकेशन, आपके पास क्या एजुकेशन है। कई बार लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में उतने सक्सेस नहीं होते, कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ आपके कर्माज है, आपके पास के इश्यूज हैं, आपने अपनी जो भी आपकी कार्मिक है वो आपके सामने है। किसी लोगों को हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, सब कुछ होते हुए भी वो उनको कुछ नहीं होता कुछ लोगों के जीवन में, और कुछ लोगों के जीवन में उनको कुछ भी नहीं होता उनके पास, लेकिन उनको हर चीज बड़ी ही इजिली मिल जाती है, वो जहां भी जाते हैं कहते हैं ना कुदरत उनका वेलकम करती है, अगर वो मिट्टी में हाथ डालते हैं तो वो सोना बन जाती है। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्लियर?
क्लियर है ना। तो वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ हमारे कर्माज है, आप जैसा करेंगे वैसा होगा। अब जो मदर कोइनिन है वो क्या है, वो आपको वही उन्हीं सभी कर्माज से खत्म करती है, वो सारे कर्माज को डिलीट कर देती है, वो सारी दुख वो सारी तकलीफ है, क्योंकि वो एक बौद्धिक सत्वा थी। उनको जब एनलाइटमेंट हुआ, उनका होने जा रहा था उनका एनलाइटमेंट, तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मुझे इस संसार में ही रहना है और मैं इस संसार में रहकर हर एक व्यक्ति के दुखों को हरण करना चाहती हूँ। तो बेसिकली वो लोग चाइना की ये गॉडेस हैं, चाइना की गॉडेस मदर क्वाइनिन है, जिनका मैंने अभी आपको एक इमेज भी दिखाया था। देखिए ये इनका इमेज है, ये चाइना चाइना की है ये। ये चाइना की हैं गॉडेस क्वाइनिंग। तो इनको लोगों के बड़े ही दर्द भरी आवाजें ऐसी सुनाई दी जिसके कारण इन्होंने अलाइनमेंट नहीं लिया। इन्होंने बोला कि मैं इसी संसार में रहूंगी और जब भी कोई व्यक्ति मुझे बुलाएगा मैं उसके लिए वहां पे पहुंच जाऊंगी, लाइक अ एंजल। जैसे कि हम एंजल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे एंजल्स के बारे में सुना होगा, हनुमान जी के बारे में सुना होगा, है ना, वो भी एक तरीके की एंजल्स है। तो उसी तरीके से ये भी एक कलयुग की देवी जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपके हर दुख को हर लेती है, आपके कर्मा जो भी आपके पीछे के आपके कर्मा जिसके कारण आपके जीवन में तकलीफें आ रही है उन सभी कर्मा को खत्म कर देती है मदर क्वाइनिंग। ठीक है, चाइना में इनका बहुत एक मंदिर भी है, हमारे इंडिया में तो अभी इतना नहीं है लेकिन चाइना में इनके मंदिर है, वहां पे इनकी जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है हमारे हिंदुस्तान में, उसी तरीके से वहां पर इनकी पूजा की जाती है। जैसे हमने बोला कि डॉक्टर मिकाओ ओशी, जैसे कि हमारा रेकी है, जो हम रेकी सीखते हैं वो हमें डॉक्टर मिकाओ ओशी से हमें मिला है, बेसिकली वो विद्या भी हमारी भारत की ही है, लेकिन भारत में उसके ऊपर जब काम नहीं हुआ फिर डॉक्टर मिकाओ ओशी ने उसके ऊपर काम करा और बहुत सारी जगह जगह गए घूमे, वहां जाकर उनको जब ये मालूम चला कि ये विद्या भारत की है तो फिर वो भारत में आए, भारत में उन्होंने तप करा, तपस्या करी, 21 डेज तक उन्होंने अंजन को त्याग कर तप करा और तब जाकर उनको ये सब सिंबल्स के बारे में मालूम चला, ये सब उनको कॉस्मिक एनर्जीज के माध्यम से ये सब चीजें उनके सामने आई और फिर उन्होंने इसको एक अपना साइंटिफिक तरीके से एक रूप दिया और फिर प्रेजेंट करा। तो कहने की बात यह है कि जो हमारा उसे रेकी है वो भी हमारा भारत की ही एक विद्या है, लेकिन उसका जापान से पुनः आविष्कार होकर वो फिर से भारत में आई है। उसी प्रकार जैसे हमारी करुणा रेखी है तो आप समझ सकते हैं कि करुणा इज अ इंडियन नेम, तो इसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो हमारे भारत से ही, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म से ही। ठीक है, तो इस तरीके से देवी कुवाइनेम हमेशा होती हैं, जब भी आप उनको बुलाएंगे वो हमेशा आपके पास आएंगी और ये बहुत जल्दी, मतलब इनका जो आने का वो होता है ये बहुत जल्दी आ जाती है, इनको ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप इनको बहुत ही दिल से पूरे विश्वास और श्रद्धा से अगर आप इनको बुलाएंगे तो ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगी। वैसे अगर आप देखते हैं ना तो ज्यादातर हम लोग रोज क्वाइट हम लोग क्रिस्टल्स रखते हैं तो वो भी इनका प्रिय स्टोन होता है रोज क्वाइट, और जैसे मैंने भी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये इनका प्रेयर स्टोन होता है। आप इसको भी रख सकते हैं, पिंक कलर को रख सकते हैं, उनका फोटो लगा सकते हैं अगर आप उनके साथ अपने अच्छे कनेक्शंस को बिल्डअप करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जब भी हम किसी भी जैसे हमारा मदर क्वाइनिंग के ऊपर ये बेस्ड है, ये पूरा का पूरा कोर्स है, तो हम इनके लिए थोड़ा सा एक मेडिटेशन करेंगे, जो कि हमारा जिसके जरिए हम जब भी इस तरह का कोई भी कोर्स करते हैं जो उनके ऊपर बेस्ड है तो वहां उस कोर्स के जो देवता होते हैं देवी होते हैं तो पहले
उनको बुलाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ना चाहिए। तो हम इसका मेडिटेशन एक करेंगे मदर क्वाइन एम का, तो सभी लोग अपना तैयार रहें। मेडिटेशन करने के लिए आप सभी लोगों को अपने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। किसी कारणवश अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रख सकते हैं तो आप लेट कर मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने पास एक गिलास पानी रखिएगा, और अगर आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके पैर जमीन से नहीं लगने चाहिए, जमीन के नीचे कोई भी कपड़ा रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। Thank you.